हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ाइफ़ा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो नोट्स है क्राफ्ट फाइल के। बीएड सेकंड ईयर में ये क्राफ्ट फाइल बनाई जाएगी, तो जो हमारे बीएड के स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ से क्राफ्ट फाइल तैयार कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें ये क्राफ्ट फाइल तैयार करनी है। तो जो है इसका प्रैक्टिकल होगा क्राफ्ट फाइल का बीएड सेकंड ईयर में। तो देखिए, ये यहाँ पर इंडेक्स में जो है ये टॉपिक दिए हुए हैं। ये सारे टॉपिक पे हम लोग जो है बात करेंगे और किस तरीके से हमें ये टॉपिक्स पे लिखना है वो सारा इस फाइल में आज आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारे टॉपिक हैं। नंबर एक है परिचय अर्थ, तो यहाँ पर है परिचय और अर्थ, ठीक है, क्या रहेगा परिभाषा। नंबर दो, नंबर तीन शिक्षा में शिल्प। नंबर चार आर्थिक दृष्टिकोण से मानव के जीवन में शिल्प कला। नंबर पाँच विभिन्न प्रकार के शिल्प का विवरण। तो अब विभिन्न प्रकार के शिल्प का विवरण में जो नंबर एक पॉइंट रहेगा वो रहेगा कास्ट कला। नंबर दो धातु शिल्प। नंबर तीन चर्म शिल्प। नंबर चार कताई बुनाई शिल्प। नंबर पाँच मूर्ति शिल्प। नंबर छः छपाई शिल्प। नंबर सात हस्तशिल्प। नंबर आठ गृह शिल्प। तो ये हमारे जो है टॉपिक रहेंगे। और अब चलते हैं पेज नंबर वन पर। और पेज नंबर वन ये रहा हमारा, और यहाँ पर इस तरीके से हमने लिखा है इसको, और आप भी इसी तरह से लिख सकते हैं। और थोड़ा सा आप इसकी बुक आती है शिल्पकला की, तो बुक ले परचेज कर लेंगे तो और ज़्यादा इसमें थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं। थोड़ा सा हिंट यहाँ से आपको मिल जाएगा। नंबर एक जो है परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में इस तरह से आपको शुरुआत करना है कि शिल्प एक व्यवसाय है जिसमें कौशल आधारित कार्यों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकार के शिल्प में दो उद्देश्य होने चाहिए, सजावट एवं कार्यात्मकता। तो इस तरह से हम इसको लिखते चले जाएंगे, और आप यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं और पढ़कर लिख भी सकते हैं। तो अब क्योंकि मैं एक एक लाइन अगर पढ़ूँगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मेरा मोटिव ये था कि मैं सिर्फ आपको इतना थोड़ा सा हिंट दे दूं कि हमें जो फाइल बनानी है क्राफ्ट फाइल, तो वो कैसे बनानी है और उसमें क्या क्या थ्योरी रहेगी। तो नंबर दो पर हमारा रहेगा शिल्प का अर्थ, मतलब शिल्प का अर्थ मीनिंग ऑफ क्राफ्ट। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा फर्स्ट पेज जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर टू पर। पेज नंबर टू हमारा ये रहा, और पेज नंबर टू में हमारी हेडिंग है यहाँ पर शिक्षा में शिल्प, क्राफ्ट इन एजुकेशन। तो क्राफ्ट इन एजुकेशन हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक हमने लिखा है। तो ये हमारा जो है क्राफ्ट इन एजुकेशन की शिक्षा में जो है शिल्प का क्या महत्व है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्कूलों में शिल्प शिक्षण के उद्देश्य। तो यहाँ पर मोटिव्स, उद्देश्य का मतलब मोटिव्स क्या क्या हैं। सेवन उद्देश्य, सात उद्देश्य यहाँ पर जो है लिखे गए हैं, तो ये आप भी लिख सकते हैं सात उद्देश्य। पेज नंबर थ्री पर चलते हैं। पेज नंबर थ्री है हमारे पास ये, पेज नंबर थ्री। और पेज नंबर थ्री में है शिल्प के कलात्मक रूप। अब शिल्प के कलात्मक रूप में नंबर एक गृह शिल्प। गृह शिल्प क्या होता है, जब घर में जो चीज़ें होती हैं, घर में हम किस तरीके से घर को सजा सकते हैं, घर में काम आने जो है घर की साज सज्जा करना, कटाई बुनाई, खाना बनाना, तो घर में काम आने वाले शिल्प हैं ये। कास्ट शिल्प, धातु शिल्प, चर्म शिल्प। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर, और चर्म शिल्प के बाद यहाँ पर कटाई बुनाई शिल्प। ये घर के ही कलात्मक शिल्प के कलात्मक रूप हैं, घर में ही होता है ये। और नेक्स्ट है यहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से मानव जीवन में शिल्प कला। तो आर्थिक दृष्टिकोण से मानव जीवन में शिल्प कला का क्या महत्व है और ये कैसे काम आती है। तो शिल्प जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे आर्थिक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि इससे अगर आपको किसी भी तरह की शिल्प आती है, आपको हुनर आता है कोई भी, ठीक है, और तो आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और इस तरह की चीज़ें ड्राइंग करना, जैसे कोई पेंटर है, आर्टिस्ट है, तो वो ड्राइंग अपनी बना बना के जो है अपनी आर्थिक जीवन को चला सकता है। कोई मूर्तिकार है तो मूर्ति बना के, सब शिल्प में ही आता है। कोई कढ़ाई अच्छी जानता है तो वो कढ़ाई करके जो है अपना जीवन यापन कर सकता है।
ठीक है, तो ये सब आर्थिक दृष्टिकोण से शिल्पकला के बहुत महत्व होता है। ठीक है, शिल्पकला में का बहुत ही ज़्यादा महत्व है आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। तो ये पेज नंबर 3 था, पेज नंबर 3 कंप्लीट। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज है हमारे पास पेज नंबर 4। तो पेज नंबर 4 में पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर जो है इस तरह से हम ड्राइंग बना लेंगे ये आकृति, और ये जो है हमारा शो पीस है, ठीक है, जो पेड़ का बनाया गया है, और नीचे हमने यहाँ पर जो है ये लकड़ी द्वारा बनाई गई मूर्ति, ठीक है, तो ये महात्मा गांधी की मूर्ति है, इसको ड्राइंग करके दिखाया कि ये जो है इस तरह से शिल्पकला का महत्वपूर्ण है कि क्या क्या चीज़ें हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 कास्ट कला, यानी मतलब वुडन क्राफ्ट, कास्ट कला या कास्ट शिल्प, वुडन क्राफ्ट। तो वुडन क्राफ्ट इसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तो उसको इस तरह से लिखना है। और नेक्स्ट है आपके पास इसमें क्या क्या आवश्यक सामग्री क्या रहेगी, और इसकी विधि क्या है इसकी बनाने की, है ना। तो वैसे इसे सीखना पड़ता है और बहुत प्रैक्टिस के बाद ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हमें जो है सिर्फ बताना है, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर। और अब चलते हैं हम अपना पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 हमारा ये है। पेज नंबर 5 पे जाने से पहले इधर जो है इस तरीके से ड्राइंग बना के दिखा सकते हैं, बतख बनाई गई है, ये मेटल मेटल वाला मतलब धातु शिल्प में, कि धातु की इस तरह से शोपीस बना सकते हैं, ऐसी मूर्ति झूलते हुए तो इस तरह की शोपीस भी बना सकते हैं, ये धातु शिल्प में आता है, धातु से बनाई गई हैं ये सब चीज़ें। और इसके बाद पेज नंबर 5 में जो हमारा पीछे जो हम बात कर रहे थे कास्ट कला की, उसकी उसमें जो है सावधानियाँ क्या क्या हमें बरतनी है, तो ये रहेगी सावधानियाँ। और नेक्स्ट है हमारा धातु शिल्प क्राफ्ट, यानी मतलब मेटल क्राफ्ट, शिल्प का मतलब क्राफ्ट और धातु का मतलब मेटल, मेटल क्राफ्ट। तो यहाँ पर ये हम लिखेंगे यहाँ पर कांस्य शिल्प, कांस्य एक धातु होती है, तो कांस्य शिल्प। तो ये रहेगा हमारा पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। और अब चलते हैं पेज नंबर 6 पर, और पेज नंबर 6 पर हमारा ये रहेगा, देखिए। तो ये पीछे हमारा अभी जो चल रहा था मेटल क्राफ्ट उसका है, तो इसमें क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है वो सारी चीज़ें। और अब चलते हैं पेज नंबर 7 पर। पेज नंबर 7 पर जाने से पहले इधर ड्राइंग के थ्रू ये जो है हमारी ये जो है कास्ट शिल्प है, कास्ट शिल्प नहीं बल्कि सॉरी आगे आने वाली है कताई बुनाई शिल्प। तो कताई बुनाई शिल्प में ऐसे जैसे कि कढ़ाई करना, ठीक है, और ये बॉर्डर बनाना, चुनरी का बॉर्डर की कढ़ाई, सूट की कढ़ाई, ठीक है, तो ये रहेगा। और उस पेज नंबर 7 पे हम लोग पढ़ेंगे मतलब समझेंगे चर्म शिल्प। तो चर्म शिल्प का मतलब चमड़े की जो है शोपीस या चमड़े की जो भी चीज़ें बनती हैं, तो उसे बनाने का जो कला है वो चर्म शिल्प में आता है। तो चर्म शिल्प में क्या भूमिका है, उसकी विधि क्या है, तो ये विधि लिखना है। और पेज नंबर अब चलते हैं 8 पर। पेज नंबर 8 पर है कताई बुनाई शिल्प। तो पहले इसका परिचय, फिर उसका अर्थ, और अर्थ के बाद उसकी परिभाषा क्या है कताई बुनाई शिल्प की, और फिर लास्ट बुनाई। तो ये रहेगा, देखिए बुनाई इस तरह से लिखा जाएगा इसमें। और नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 9। तो 9 पर जाने से पहले इधर एक ड्राइंग बनाई है, इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो है मिट्टी की मूर्ति है, और एलिफेंट की मूर्ति बनाई गई है मिट्टी की, तो वो मूर्ति शिल्प में आएगा। तो ये हमारा जो था कढ़ाई, जो है हमारा कढ़ाई हमारा रह गया था उसमें कताई बुनाई शिल्प में, ये लिखना है। फिर मूर्ति शिल्प, मूर्ति शिल्प में फिर पहले परिचय, आवश्यक सामग्री क्या रहेगी इसमें, और उसके बाद हम चलेंगे पेज नंबर 10 पर। तो पेज नंबर 10 पर यहाँ सबसे पहले फिर विधि, ये लिखना है विधि में, और फिर उसके बाद छपाई शिल्प, छपाई शिल्प में ये लिखना है, पॉज करके आप लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है हस्तशिल्प, पेज नंबर 11 पर रहेगा, और पीछे का ये जो एक लाइन रहेगा ये वो यहाँ पर लिखी हुई है, और फिर उसके बाद हस्तशिल्प। तो हस्तशिल्प में ये लिखना है, और फिर चलते हैं पेज नंबर 12 पर, 12 पर। और 12 पर चलने से पहले यहाँ पर ये ड्राइंग के थ्रू समझाया गया है कि इस तरह से मिट्टी की
मिट्टी से बनने वाली चीज़ें, बर्तन वगैरह मिट्टी के, और यहाँ पर ये सुराही बनाई है और एक जो है घड़ा बना के दिखाया गया है कि मिट्टी से बनने वाली चीज़ें, दिया बना के दिखाया गया है। और फिर चलते हैं गृह शिल्प। अब गृह शिल्प जो है हमारा पेज नंबर 12 पर है, तो ये हमें गृह शिल्प में लिखना है। इसे और अच्छे से देख लेते हैं। नीचे तक अर्थ लिखना है, फिर उसके बाद विधि लिखना है गृह शिल्प में। और गृह शिल्प में क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए, मिट्टी के बर्तन बनाना, बॉक्स बनाना, लटकन बनाना, गुड़िया बनाना, स्वादिष्ट भोजन बनाना, स्वेटर बुनना, मूर्ति बनाना, झूमर बनाना, ये सब गृह शिल्प में आता है। अब ये पेज नंबर 12 से चलते हैं हम लोग पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 में उपयोग में आने वाले अखबार से झूमर कैसे बनाया जाए, ठीक है, उसका पूरा जो है विधि के साथ सामग्री क्या क्या होनी चाहिए वो सब यहाँ पर दिया हुआ है। तो सामग्री ये दी हुई है, उसके बाद और कैसे तैयार करा जाएगा वो सब इसी में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये लास्ट पेज है हमारा और यहाँ पर है निष्कर्ष। तो अब ये सारा हम लोग करने के बाद किस निष्कर्ष पर पहुँचे वो, और ये थोड़ा सा निष्कर्ष जो है लास्ट पेज और ये पेज नंबर 14 पर दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी क्राफ्ट फाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए जो क्राफ्ट फाइल बीएड सेकंड ईयर बनाना चाह रहे हैं, या फिर और कोई कोर्स कर रहे हैं आप आर्ट से रिलेटेड, वहाँ पर क्राफ्ट फाइल बनानी है आपको, तो यहाँ से आप पूरी क्राफ्ट फाइल हिंदी में बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्राफ्ट फाइल कैसी बनी है। थैंक यू वेरी मच।